की का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है अगर हम अपने इस सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन की बात करें तो शायद इमाइल डरखाइम अगर ना होते तो ये डिसिप्लिन भी एज सच डिसिप्लिन के तौर पे एग्जस्ट ना कर रहा होता उसकी बड़ी वजह ये है कि डरखाइम वाज द फस्ट अस अंडरस्टैंड और रादर हु हेल्प अस डेवलप अ डिसिप्लिन एज़ अ अफिक डिसप्लिन बेस्ड ऑन एम्पेरिसम यानी ऑब्ज़रवेशनस की बुनियाद के ऊपर एक एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथडोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम सोशियोलॉजिकल ऑब्ज़र्वेशन से किस तरह से जनरलाइजेशन दखज कर सकते हैं कंकलूजनस ड्रा कर सकते हैं और उन कंकलूजनस को कैसे हम माशरे के हवाले से यूज़फुल बना सकते हैं तो ड्राइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से

और इसी तरह से जब हम सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं तो सोशल फैक्ट्स ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र आ सकती है जो एम्पेरिकली वेरीफाइबल है बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम सोशल फैक्ट नहीं कह सकते मसलन मेटाफिज़िकल फैक्ट्स हैं जैसे रू क्या है मौत के बाद क्या होगा और क्या खुदा है या नहीं है ये मैटाफ़िकल फैक्ट्स हैं ये हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड हैं इसी तरह से कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं दीज़ आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल यानी आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस और एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो फैक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारे ख़्यालत तस्वरत जिन तक हमारी एक्सेस नहीं है अब ऐसे फैक्ट्स जो ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऐसे फैक्ट्स जो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के अंदर हैं उन दोनों तक हमारी एक्सेस जो है फाइव सेंसेस के थ्रू नहीं है डरह ये डरह का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसने कहा कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है ये इन दोनों सोशल फैक्ट्स से बियॉन्ड है और इन दोनों फैक्ट्स से बियॉन्ड है और सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल टू एंड कोर्सिव ऑफ द एक्टर होते हैं यानी एक्सटर्नल टू से मुराद ये है कि ये उसके माइंड में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ बल्कि ये माशरे के अंदर एग्जस्ट कर रहे हैं ये इंसानी रवैयों के अंदर एग्जस्ट कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेबल हैं यूजिंग द साइंटिफिक मैथड जो है हम इनको एक्सेस कर सकते हैं इसी तरह से ये कोर्सिव ऑफ द एक्टर हैं यानी ये किसी एक इंडिविजुअल एक्टर की विल मर्जी या ख्वाहिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि उनके इंसानों के आपस के रवैयों के नतीजे में पैदा हुए होते हैं और एक दफ़ा ये फैक्ट्स जब माशरे में पैदा हो जाते हैं तो इंडिविजुअल का उनके ऊपर इख्तियार नहीं रहता

के जैसे हम देखते हैं कि एक सवाल है कि इंसान ख़ुदकुशी क्यों करते हैं डरहिम से पहले ये बिलीफ था ये यकीन किया जाता था कि शायद कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से इंसान जो है उसमें सुइसाइडल टेंडेंसीज़ पैदा होती हैं और ये सुइसाइडल टेंडेंसीज़ हैं जो उसके बिहेवियर को लीड करती हैं दैट ही शुड दैट पर्सन शुड कमिट द सुसाइड डरखाइम ने इसको सोशल फैक्ट्स के ज़रिए इस्टेबलिश किया और साबित किया कि सुसाइड जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है बल्कि एक सोशल फैक्ट है किस तरह से कि अगर तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो तो ये सारे ग्रुप्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जैसे हम देखें कि मर्द भी उतनी सुइसाइड्स करें औरतें भी उतनी सुइसाइड्स करें जो शादीशुदा हैं वो भी उस, उनके अंदर भी सुइसाइड रेट वही हो और जो गैर शादीशुदा हैं उनमें भी सेम हो कैथलिक्स में भी सेम हो प्रोटेस्टेंट्स में भी सेम हो, हो तो उसने इस हवाले से स्टेटिस्टिकल डेटा कंपाइल किया और उसने डेमोस्ट्रेट किया कि कैसे ये सुसाइड रेट जो है एक डिफरेंट ग्रुप्स वेरी कर रहा है कि जैसे शादीशुदा लोग जो थे वो कम सुसाइड करते थे नस्बता ग़ैर शादीशुदा के इसी तरह से जो कैथलिक्स थे उनमें सुसाइड रेट कम था नस्बता प्रोटेस्टेंट के तो इस तरह उसने ये स्टैब्लिश किया कि सुसाइड जो है ये हमारे माशरे के अंदर मौजूद हालात वाक़ात के नतीजे में सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा होती हैं इसके जो कॉजेज़ हैं वो मुआरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना कि इंसान के इंटरनल बिहेवियर के, के अंदर इंसान के माइंड के अंदर सो वर्क ऑन सुसाइड वाज द ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी दैट डेमोस्ट्रेटिड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग क्वान्टिटेटिव मैथड्स टू स्टडी द सोशल फिनमिना सो हिज़ आइडियाज़ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड सॉलिडारिटी कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन डरह ने जब ये चीज़ साबित की तो उसने कहा कि ये कुछ ऐसे इंटग्रेटिव प्रो इंटीग्रेटिव प्रोसेस होते हैं और सोशल सॉलिडारिटी की बेसिस के ऊपर प्रोसेस होते हैं जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं और एक, एक बॉन्ड का काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज कम रहती हैं जैसे जैसे वो बॉन्ड वीकर होते जाते हैं वैसे वैसे सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं वो बढ़ती जाती हैं सो ही हिज एम्फ ऑन द एम्पेसिजम एंड साइंटिफिक मैथड हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल थीरी तो डरहाइम को आप ना सिर्फ एम्पेरिकल सोशियोलॉजी का बानी कह सकते हैं बल्कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का भी एक इम्पॉटेंट कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं and his work influenced the development of functionalism and prominent as a prominent uh, sociological perspective and when when we talk about the structural functionalism structural functionalism remained pre, a predominant perspective in the field of sociology for uh, initially for almost more than 50 years